शर्मा, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात से। गुजरात में जो निकाय चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ा जो झटका लगा वो कांग्रेस पार्टी को लगा, और कांग्रेस पार्टी को ऐसी उम्मीद थी कि इस चुनाव में उन्हें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी और वहां पर लोग, वहां के वोटर्स उनका साथ देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस को जो अच्छी सीटें वहां पर नहीं मिली हैं, और ऐसे में हार्दिक पटेल, जी हाँ, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का बयान सामने आ गया और हार्दिक पटेल के बयान से एक सनसनी मच गई। दरअसल हार्दिक पटेल का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी में अब उनका दम घुटने लगा है, कांग्रेस पार्टी उनको वो अधिकार नहीं दे रही है, जो काम वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें आज़ादी नहीं दे रही है। और कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने बोला है कि गुजरात में ही कांग्रेस के ऐसे बहुत से नेता हैं जो उनका उनकी टांग खींचने में लगे हैं, यानी कि उन्हें नीचे गिराने में लगे हैं। तो ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि हार्दिक पटेल ने ये कहा है कि कांग्रेसी नेता जो हैं वो एक अलग स्थिति, एक अलग रणनीति अपनाते हुए हार्दिक पटेल जो है उनकी राजनीति को कमजोर कर रहे हैं, उनकी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। और हार्दिक पटेल की मैं बात करता हूं तो हार्दिक पटेल उस समय भी चर्चाओं में थे जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए थे, अगर आपको याद भी होगा। तो यहां पर बिल्कुल फिर से हार्दिक पटेल सुर्खियों में छा गए हैं, और हार्दिक पटेल का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उनको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उन्हें उनकी छवि को खराब कर रहे हैं और उनको नीचे गिरा रहे हैं, यानी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। और हार्दिक पटेल इस बात से भी नाराज हैं कि कांग्रेस का वहाँ पर अच्छा खासा जो बोलबाला होना चाहिए था, जो सीटें मिलनी चाहिए थी, वो भी सीटें नहीं मिली। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी हार्दिक पटेल से नाराज है और हार्दिक पटेल भी कांग्रेस पार्टी से नाराज है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने तो अपनी बात रख दी और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पटेल पटेल समुदाय से हैं, वहाँ के पटेल जो वर्ग के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, उनको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे और उन्हें गुजरात में जो निकाय चुनाव हुए उसमें अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। यानी कि एक समय था जब हार्दिक पटेल ये दावा करते थे कि उनके साथ बहुत बड़ा समर्थक है, उनका उनके साथ वोटर्स हैं, युवा हैं, उनके साथ अन्य वोटर्स हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बहुत खुलकर सामने आई और चीज़ें अब ये सामने आई कि हार्दिक पटेल का गुजरात में ऐसा कोई बोलबाला नहीं है जैसी बात हार्दिक पटेल किया करते हैं। यानी कि हार्दिक पटेल अब फ्लॉप साबित हो चुके हैं गुजरात में, और गुजरात के जो चुनाव हुए निकाय इसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ असदुद्दीन ओवैसी को हुआ और आम आदमी पार्टी को हुआ। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल के तर्ज पर गुजरात में एंट्री की थी और चुनाव जीतने की बात की थी, चुनाव में सीटें लाने की बात की थी। हालांकि चुनाव जीते तो नहीं है, लेकिन सीटें बहुत अच्छी आई हैं आम आदमी पार्टी की। और असदुद्दीन ओवैसी की मैं बात करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी का जादू भी गुजरात में चला है और गुजरात में भी उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली हैं। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को सीटें मिली, जिसका दूर दूर तक ये स्थिति नहीं बन रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी को सीटें मिल सकती हैं गुजरात से, और गुजरात में उन्हें अच्छा खासा वहाँ पर वोटर्स का समर्थन देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो ये पता चला कि वाकई में असदुद्दीन ओवैसी का जादू अब धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि गुजरात में चला है, और हो सकता है कि आने वाले जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी उनका जो जादू है वो देखने को मिलेगा और वोटर्स उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली से उठ के अब दूसरे जो राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है, पार्टी को आगे बढ़ा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो फैसला किया है कि दिल्ली को तो बेहतर बनाएंगे ही, दिल्ली में विकास करेंगे, इसके अलावा दिल्ली के अलावा जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एंट्री करेंगे, उनके पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे और वहाँ पर भी विकास का काम किया जाएगा। यानी कि जो गुजरात जो चुनाव जो हुए उसमें जो आम आदमी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र रखा था, जो मैनिफेस्टो रखा था, उस मैनिफेस्टो के वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उन्होंने पसंद किया, और ये चीज़ें बताती हैं कि वाकई में अब
आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उनका राजनीतिक जो स्थिति है वो भी मजबूत हो रही है। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।